और बात करते हैं रीवा की, जहां त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव को लेकर खून खराबा शुरू हो गया है। ताजा मामला चुराटा थाना क्षेत्र के बनकुइया का है, जहां चुनावी रंजिश और प्रतिस्पर्धा के चलते तीन युवकों ने दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले युवक के साथ मारपीट कर उसके दोनों पैर तोड़ दिए। चेक पुकार सुनकर आसपास के लोग और साथी पहुंचे तो आरोपी भाग निकले। घायल को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल और उसके परिजनों ने बताया कि भाजपा युवा मोर्चा वनकुइया अमित पांडे उर्फ विपिन स्थानीय लोगों के ऊपर प्रचार प्रसार ना करने का दबाव बनाता है और इसी के कर्मचारी सुखेंद्र पांडे, अर्पित मिश्रा और एक अन्य ने मिलकर मारपीट की। पूरे मामले को लेकर कैलाश यादव ने बताया कि रात में करीब 10 बजे उसको घेर लिया गया था और बाहर निकलने पर धमकी दी गई थी, जहां उसका भाई दूध लेकर जब रीवा जा रहा था तभी बाईपास में अमित पांडे और विपिन के कर्मचारियों ने हमला बोल दिया और लाठी डंडों से पिटाई कर दोनों पैर तोड़ दिए। इतना ही नहीं, पीड़ितों ने बताया कि सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के भाई और अमित पांडे आरोपियों को बचाने के लिए स्थानीय पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि नेता 5 साल अवसर मिलने पर जब कोई काम नहीं करते, सिर्फ अपनी तिजोरी भरते हैं, अवैध गतिविधियां संचालित करते हैं और चुनाव के अवसर पर उसी जनता जनार्दन के ऊपर अत्याचार करते हैं जिनकी वोट से 5 साल तक अपनी तिजोरी भरी है। अब देखने वाली बात यह है कि सत्ता के दबाव में अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है या फिर कोई और बहाना बनाकर मामले से पल्ला झाड़ लेती है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित और उसके परिजनों ने क्या आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? बालबीक यादव। क्या घटना हो गई है आज? अरे बाईपास में आते रहे, तीन ठड़े रहे गाड़ी डोंठो दज्जई रोड सुधी में, पीछे से पीटे लागे हैं भैया, गाड़ी गिर गया, बिगा लीन पकड़ के। कौन लोग मार रहे थे? हम कुछ तिवारी अंबुज गौतम। अरे रे, ये सब कहाँ के हैं? सुखेंद्र साहब गाँव है क्या? आपका कौन सा गाँव है? बनकुइया। ये घटना कहाँ पे हुई है? बीड़बा बाईपास के नीचे। बड़े चाचा क्या नाम है, ये क्या घटना हो गई है? बाल्मीक दूध लेके आता था, हम भी लेके आए, हम थोड़ा पाछे रहे आगे रहा तो इसको मारते मारते गिरा दिया। तभी हम पहुंचे थे, तीन लोग भागे, दो एक लोग आगे भाग गए मोट वाले जे थे और ये दो लोग पाछे गए। हमारी गाड़ी खराब करा, इसको डंडा लाठी पथरा दई मारा रहे हैं, काहे के लिए मारपीट किए हैं? क्या हम क्या जाने लाला, हम तो कुछ नहीं जानते किस लिए किए। जो मारपीट किए उनसे पहचानते हैं हम उनको? जो मारपीट किए पहचानते हैं? उनको पहचानते हैं, हम आँख से दिखे हैं उनको। कौन लोग हैं वो? उधर बैठे हैं। नाम कुछ मालूम उनका? नाम अंकित, अर्पित मिश्रा है, अंकुश तिवारी है, अंकुश तिवारी है, सुखेंद्र पांडे। ये कहाँ के हैं? ये बनकुइया की। ये घटना कहाँ पे हुई है मारपीट की? बाई पास बिलवा अकालहर रात के इनका गेरे रहे बैठ रहे दुकान में। बताइए कि कौन मारपीट किया है, किस कारण से मारपीट किया? अमित पांडे जी हैं, वो हम बाहर नवंबर ही लड़े, हमको घर से निकलने नहीं देते, बोलते कि आप प्रचार मत करिए। और उसको कर्मचारी हैं तीन लोग, सुभेंद्र पांडे, अतुल तिवारी और अर्पित मिश्रा। ये अमित पांडे कौन है? वो खनिज के कई मामले हैं इसके ऊपर, खनिज माफिया टाइप के हैं वो लोग हैं क्या? ये यहाँ क्रशर वगैरह लगाए हैं और उसी के तीनों लोग आदमी हैं, वो नौकरी चाकड़ी करते हैं। उन लोग कल रात में ही हमको 10 बजे रात घेर के दे रहे हैं, फिर गाँव के लोग बीच बचाव किए हैं। और इनको कैसे मारपीट किया, कहाँ जा रहे थे? तो ये रीवा आते थे दूर में, फिर क्या बाईपास में ही हम तीनों मिलकर आके मारे। अभी पुलिस शिकायत में कुछ कार्रवाई की क्या? अभी तो कुछ नहीं किया है, लेकिन पढ़ लिया है जो पैसा। अमित पांडे कुछ भाजपा का उधर का है भी बनकुइया मंडल का क्या? जी हाँ, मंडल अध्यक्ष है। क्या इसी के दबाव के कारण भी क्या वोट डालने के लिए दबाव बना रहे हैं कि आप वार्ड में न जाइए, घर में घर के अंदर? दूसरी पार्टी कौन चुनाव लड़ा है जिसका ये दबाव बना रहे हैं? वो हमारे पक्ष में यादव लड़ा है, ये दूसरी वार्ड में पंकज हैं, मैं और मदर इस बार में हमें दुकान में बैठे हुए, किसी घर में भी नहीं बैठे, तो वहाँ कल रात में हमको अटैक किया। तो ये कह रहे हैं कि हमारे आदमी को वोट दो? हाँ, या प्रचार करने ना जाओ? हाँ, प्रचार करो, प्रचार मत। तो अभी क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि उसको कार्रवाई किया जाए, कि गली मारते हैं।